सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में मुख्य वक्ता अध्यापक संघ प्रदेश प्रेस सचिव मास्टर वजीर सिंह थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान राजकुमार गिंगाड़ा ने की। प्रदेश शिविर में वक्ताओं ने संगठन व सरकार की नीतियों पर खुलकर चर्चा की। साथ ही कर्मचारियों को बताया कि जिस प्रकार से भविष्य के खतरों व समस्याओं से आंदोलन के माध्यम से बचा जाए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार आए दिन निजीकरण से विभागों में फरमान जारी कर रहा है। सरकार ने पिछली बार जो वादे किए थे उन्हें पूरा करे, पेंशन नीति लागू की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। आज की जो हमारी ये बैठक है, हमारे राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को आज की जो हालात है उनके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाए। तो देश में, दुनिया में, प्रदेश में जो आज हालात है उनके ऊपर हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें खास करके जो सरकारी महकमे उनका निजीकरण किया जा रहा है, नई पेंशन स्कीम लेके आगे हम पुरानी मांग रहे हैं, कच्चे कर्मचारी लगा रहे हैं थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में, उनको कोई भत्ता नहीं देते, कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं है। हम कहते हैं पक्की भर्ती करो, पूरे ग्रेड दो और सारी सुविधाएं मेडिकल की, एचआरए की, पेंशन की उनको दी जाए। जब तक वो ना करते हैं तो समान काम समान वेतन दिया जाए। आज ये जो हालात है ना, इनके बारे में हम बता रहे हैं कि देश में जिस ढंग से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है पॉलिटिकल पार्टियां, उससे यूनियनें टूटेंगी, जिससे श्रम कानूनों का हनन किया जा रहा है। हमारे 44 श्रम कानून थे, उनको मर्ज करके 4 कर दिया, तो उनका आने वाले समय में हमारी को यूनियन बनाने का, धरने का, प्रदर्शन का, उन सब पर पाबंदियाँ लगेंगी। जैसा कि पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रहे, जो ऐसा कह रहे हैं उनको देशद्रोही कह के जेलों में डाल रहे हैं। चारिक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण हमें दे रहे हैं। अब पहले हम अपने डिपार्टमेंटों को करेंगे, डिपार्टमेंटल यूनियन ना, फिर सभी कर्मचारी जो सर्व कर्मचारी होंगे, और जब हम कर्मचारी इकट्ठे हो जाएंगे तो मजदूरों को, किसानों को, उनके साथ भी हम तालमेल करेंगे, क्योंकि वो हमारे से भी बुरे हालात में जी रहे हैं। कम आमदनी है उनका जीवन स्तर, कर्मचारी से तो किसान का भी मजदूर का भी कम है, तो वो स्वाभाविक मित्र हैं हमारे, तो उनसे भी हम मित्रता कह रहे हैं, अच्छी सेवा करेंगे हम, जिन महकमा में है जनता के सेवक हम लोग। चमकी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।